रविवार को संजय प्ले स्थित पुलिस चौकी के पीछे जनक महल के लिए विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारों संग भूमि पूजन किया गया। सिया राम के सुंदर भजनों पर थिरकते राम भक्तों के मध्य कई बार यूं लगा मानो साक्षात इंद्रदेव भी राम के काम में अपना हाथ बटाने आए हों। पंडित देवेंद्र शास्त्री ने सीता सहस्त्र नाम के साथ 1000 आहुतियां दिलवाई। जनकपुरी महोत्सव की निर्विघ्न संपन्नता के लिए सभी देवी देवताओं का आह्वान किया गया। जनकपुरी महोत्सव समिति के अध्यक्ष मुरारी प्रसाद अग्रवाल और स्वागत अध्यक्ष ब्रजमोहन तपाड़िया के साथ साथ समिति के अन्य पदाधिकारी भी शामिल रहे। देखिए, बड़ा सौभाग्य की बात है कि रामलीला वालों ने आपके जनकपुर वासियों के लिए संजय पैलेस में इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये संजय पैलेस में जो जनकपुरी मिथिला नगरी सज रही है, ये पूरे आगरा की मिथिला नगरी है। अभी तक जो लोग देते थे कमला नगर, बल्केश्वर, जयपुर हाउस, शास्त्री नगर, गांधी नगर, विजय नगर, यानी जो पर्टिकुलर थी, और जब इस व्यवसायिक केंद्र में दी है, ये हार्ट ऑफ द सिटी है संजय पैलेस। यहाँ पर पूरे आगरा के और आगरा के आसपास के व्यवसायिक व्यापार करते हैं। इन सब लोगों ने मिलकर के एक कमेटी बनाई है और इन सब लोगों की एक इच्छा है कि ऐतिहासिक जनकपुरी का आयोजन यहाँ हो। आप यहाँ खड़े हैं, जहाँ भूमि पूजन हुआ है पुलिस चौकी के पीछे, यहीं आज से जनक महल बनेगा। करीब 50 कारीगर कलकत्ता से, बाकी के कारीगर आगरा से एकत्रित होकर के इसको भव्य बनाने में रात और दिन लगेंगे। और निश्चित रूप से, जैसे कि आप अयोध्या का जो मंदिर है भगवान राम जिसमें विराजमान होंगे जनवरी में, हम देखने को हमें ये मिलेगा कि अक्टूबर में 11 तारीख को भगवान राम अपने अयोध्या के भव्य मंदिर में यहाँ पर विराजमान होंगे। ऐसी हम सब लोगों की आशा है, कोशिश है, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम इस जनकपुरी को ऐतिहासिक बना सकें। भगवान राम के आगवानी में हम सीता जी के टोले को निकालते हुए इतनी भव्य जनकपुरी बनेगी कि आप इसका आश्चर्यचकित रहेंगे और आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ संजय पैलेस में बहुत लोगों का उत्साह है, पैसे देने वालों की कोई कमी नहीं है। कमेटी से जोड़ने के लिए अपनी तरफ से ही लोग आ रहे हैं, भगवान राम के काम में आप हमको जोड़िए। तो हमारा कहना है कि यहाँ आए, और अब की बार जिस भक्त ने इस जनकपुरी को नहीं देखा वो अपने आप को कुछ दुर्भाग्यशाली समझेगा। तो मेरा सबों से कहना है कि यहाँ आकर के अवश्य इसका दर्शन करें, भगवान राम के दर्शन करें। 10 तारीख से 14 तारीख तक 5 दिन की जनकपुरी यहाँ सजेगी। तो मेरा कहना है कि आप अवश्य आएं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मुझे दायित्व दिया गया है कि मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं, क्योंकि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए सबसे आवश्यकता होता है कोष की। बिना कोष से कोई भी कार्य आवश्यक पूरा नहीं हो सकता है। तो ये जिम्मेदारी मैंने शहर स्वीकार की है और मुझे पूरा विश्वास है कि रामचंद्र जी और जानकी के आशीर्वाद से मैं इस कार्य में सफल होऊंगा। और जनकपुरी बहुत भव्य आयोजन जो संजय प्रेस करने जा रहा है उसमें कमी कोई नहीं रहेगी। इसी आशा के साथ जय सिया राम। संजय प्लेस में जब से मुझे ये पता चला कि जनकपुरी सज रही है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ रामलीला कमेटी का कि उन्होंने इस क्षेत्र को चुना। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी और ये प्रे करती थी कि भाई हमारे भी क्षेत्र को मौका मिले। तो जब हमें पता चला कि यह जनकपुरी सज रही है, श्री राम भगवान यहाँ विराजेंगे, तो हमें बहुत ही खुशी हुई। इसके लिए रामलीला कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत सौभाग्य की बात है कि जनकपुरी का आयोजन इस बार, ये जिम्मेदारी, ये दायित्व कि भगवान की कृपा संजय प्लेस के वासियों को मिली है, और हम सब लोग मिलकर इसको बहुत भव्य तरीके से मनाना चाहते हैं। एक ऐसी जनकपुरी बनाना चाहते हैं जो अविस्मरणीय हो, लोग उसको याद रखें, क्योंकि 29 साल पहले जनकपुरी संजय प्लेस में सजी थी, उसका भी स्वरूप ऐसा है कि आज तक लोग उसको याद करते हैं। तो अगर हम 29 साल का एक लंबा सफ़र लोगों की यादों में तय करके आए हैं, तो आगे आने वाले में हम चाहते हैं कि 50 साल और लोग याद रखें कि जनकपुरी का ये भी स्वरूप हो सकता है। तो बेहतरीन तरीके से हम जनकपुरी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमने जहाँ जनक मंच बनना है, जो श्री राम मंदिर के मॉडल है उसके ऊपर बनना है, उसके लिए आज हमने यहाँ भूमि पूजन किया है। भगवान का काम करने से पहले सबसे पहले आवश्यक है कि हम भगवान का ही आह्वान करें। तो आज हमने यहाँ यज्ञ किया है, भूमि पूजन किया है, और बड़ी खुशी की बात यह है कि इसमें स्वयं आज इंद्र देवता ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, भरपूर तरीके से कराई है। मैं आप सबके माध्यम से पूरे शहर की जनता को, जो भी श्रद्धालु धन प्रेमी लोग हैं, वो आमंत्रित करता हूँ, वहाँ आएँ, जनकपुरी महोत्सव के आयोजन का हिस्सा बने, भगवान के दर्शन करें। जय सिया राम।